जन सुनवाई अभियान के तहत पिन घाटी के विभिन्न गांवों में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय ने दौरा किया। तंगती योगमा गांव में लोगों ने अपनी जन शिकायतें मंत्री के समक्ष रखी। गांव में सर्दियों में बिजली की आपूर्ति काफी बाधित रहती है, इसके समाधान के लिए मंत्री से कहा कि विकास जन सहयोग के तहत आवेदन करें ताकि घरेलू सोलर एनर्जी आपूर्ति हो सके। गांव के लिए उठाऊ पेयजल योजना की मंजूरी हेतु मंत्री का आभार गाँववासियों ने किया। तंगती योगमा में लोगों की समस्याएं सुनी, इसमें लोगों ने कहा कि रिक जिन रोड का निर्माण कार्य तीव्र पूरा करने के निर्देश दिए जाएं ताकि इस बार मटर की फसल के लिए बेहतर रहे। वहीं मंत्री ने सामुदायिक भवन के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपए देने की घोषणा की ताकि कार्य तुरंत पूरा किया जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से शालिनी राय भारद्वाज की रिपोर्ट।